एक बुढ़िया थी। वह मंगल देवता को अपना ईष्ट देवता मानकर सदैव मंगल का व्रत रखती और मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसके पौत्र का जन्म भी मंगलवार को ही हुआ था, इस कारण वह उसे मंगलिया के नाम से पुकारा करती थी। मंगलवार के दिन वह न तो घर को लीपती थी और न ही पृथ्वी को खोदा करती थी। एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर में साधु का रूप धारण करके आए और द्वार पर आकर आवाज दी। बुढ़िया ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है? साधु कहने लगा, बहुत भूख लगी है, मुझे भोजन बनाना है, इसके लिए तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। महाराज, आज मैं मंगलवार की व्रती हूँ, इसलिए चौका नहीं लगा सकती। आप कहो तो मैं जल का छिड़काव कर देती हूँ, उस पर भोजन बना लें। साधु बोला, मैं गोबर से लिपे चौके पर ही खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लीपने के सिवाय कोई और सेवा हो तो मैं वह सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तब साधु ने कहा, सोच समझ कर उतर दो, जो कुछ भी मैं कहूँ वह सब तुमको करना होगा। बुढ़िया बोली, हाँ महाराज, पृथ्वी लीपने के अलावा जो भी आप आज्ञा देंगे मैं उसका पालन अवश्य करूंगी। बुढ़िया ने ऐसा 3 बार बोलकर वचन दे दिया। अब साधु ने कहा, तू अपने लड़के को बुलाकर औंधा लिटा दे, उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। तब साधु ने कहा, बुला अपने लड़के को, अब सोच विचार क्यों करती है? बुढ़िया मंगलिया मंगलिया कहकर पुकारने लगी। थोड़ी देर बाद लड़का आ गया। बुढ़िया उससे बोली, जा बेटा, तुझको बाबा जी बुलाते हैं। लड़के ने बाबा जी के पास जाकर पूछा, क्या आज्ञा है महाराज? साधु ने कहा, जाओ अपनी माता जी को भी बुला लाओ। बुढ़िया आ गई तो साधु ने कहा, तू ही इसको लिटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए लड़के को औंधा लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी और कहने लगी, महाराज अब जो करना है आप कर लीजिए, मैं जा रही हूँ, मुझसे यह सब नहीं देखा जाएगा। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी अंगीठी में आग लगाई और उस पर भोजन बनाया। अब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया से कहा, अब अपने लड़के को भी बुला ले, वह भी आकर भोग लगा लेगा। बुढ़िया कहने लगी, ये कैसी आश्चर्य की बातें कर रहे हो, उसकी पीठ पर आपने आग जलाई है और उसी को प्रसाद के लिए बुलाते हो, क्या यह संभव है कि अब भी वह जीवित होगा? आप कृपा करके उसका स्मरण भी मुझे ना कराइए। साधु के अत्यंत आग्रह करने पर बुढ़िया ने जैसे ही मंगलिया मंगलिया कहकर आवाज लगाई, त्यों ही एक ओर से दौड़ता हुआ लड़का वहां आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा, माई तेरा व्रत सफल हो गया है, तेरे हृदय में दया है और अपने ईष्ट देव के लिए अटल श्रद्धा भी है, इसके कारण तुझे कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचेगा, मंगल देवता तेरी सदैव रक्षा करेंगे। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें।